गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. सो कंटिन्यूइंग अवर चैप्टर नंबर 5 पैटर्न्स. नाउ हियर लीफी पैटर्न्स आर देयर. यूजिंग वन लीफ वी कैन मेक डिफरेंट पैटर्न्स. सी दिस 5 लीफी पैटर्न्स. सो हियर यू हैव टेकन वन काइंड ऑफ लीफ. एक तरह के आपने लीफ लिए. यू आर हैविंग 5, 6, 7 लीव्स विथ यू. तो एक लीफ से आप कितने तरह के पैटर्न बना सकते हैं. Look at the first pattern, then look at the second pattern, third pattern, fourth pattern and fifth pattern. एक लीफ को आपने अलग अलग तरह से रखा है. कोई सीधा रखा है, किसी को आपने अपसाइड डाउन रखा है, किसी को आपने वर्टिकल वे में रखा है, किसी को हॉरिजॉन्टल वे में रखा है, थोड़ा सा टिल्ट करके रखा हुआ है. वन लीफ को यू हैव केप्ड इन डिफरेंट पोजिशंस एंड यू कैन फॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न. सो यू ऑल्सो टेक सेम टाइप ऑफ लीफ. अराउंड 6 or 7 लीव्स यू टेक एंड यू कैन मेक डिफरेंट काइंड्स ऑफ पैटर्न. डू दिस एट योर होम. नेक्स्ट इज नंबर पैटर्न. नाउ फिल लेट अस लुक एट सम पैटर्न्स विथ नंबर्स. फिल द नंबर इन द ब्लैंक स्पेस ऑफ ईच पैटर्न. हर पैटर्न में अ पैटर्न इज देयर एंड वन और टू नंबर्स आर मिसिंग. यू हैव टू फिल द नंबर बाय सीइंग द पैटर्न. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लर्न व्हाट इज द रूल इन दैट पैटर्न और फिर उस रूल को आपको फॉलो करना है. फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1, लुक एट 1, 1, 3, 5, 7. 1, 3, 5, 7. सो नेक्स्ट नंबर विल बी, फर्स्ट ऑफ ऑल लुक 1, 3, 5, 7. दीज नंबर्स आर दे आर ऑड नंबर्स. तो आफ्टर 7 कौन सा नंबर आएगा? यस इट इज 9. नेक्स्ट 20, 30, 40, 50, 60, 70. अब यहाँ पर 10, 10 का डिफरेंस है. दिस इज द देर इज अ डिफरेंस ऑफ 10 नंबर्स. तो आफ्टर 70 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 80. तो नेक्स्ट नंबर क्या आएगा? 80. गुड. नेक्स्ट 24, 27, 30, 33, 36. नाउ इसमें कितना कितना डिफरेंस है? 3 नंबर का. 24 से 27 में कितना डिफरेंस है? 27 माइनस 24 3 नंबर 30 से 27 3 नंबर्स. 33 से 30 3 नंबर्स. देन 36 माइनस 33 3 नंबर्स. सो देर आर डिफरेंस ऑफ 3 नंबर्स. सो 36 में आप प्लस कर लेंगे 3, व्हाट आंसर यू विल गेट? ऑफ कोर्स इट इज 39. गुड. देन नेक्स्ट क्वेश्चन 5, 10, 15, 20, 25, 30. अब यहाँ पर 5 मार्क्स का 5 का टेबल चल रहा है. 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 5s are 25, 5 6s are 30, then 5 7s are 35, 5 8s are 40, 5 9s are 45, 5 10s are 50, then 5 11s are 55. So in this way you have to fill the numbers. This thing you have to do in your notebook. It is on page number 35. Page number 34 I will do it in the next module. Page number 34 we will do in the next module. अभी आप page number 33, page number 35 ये वाला page करेंगे and these questions, number patterns you have to do in your notebook. Now you can check the answer. 1, 3, 5, 7, 9. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. 24, 27, 30. 33, 36, 39. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 and 55. Next. T2 frog jumps over 2 numbers and reaches the 3rd number. Where will T2 go next? Make a ring on the other number. हर 2 number को वो jump करके 3rd number पर पहुँच रहा है. That means यहाँ पे अगेन 3 का टेबल गोइंग ऑन.
सो यू हैव टू मेक अ रिंग ऑन द अदर नंबर. जिस नंबर पे वो जंप करेगा वहाँ पर आपको लाइन डालना है, वहाँ से वहाँ तक आपको लाइन डालना है, और देन यू हैव टू मेक द रिंग ऑन दैट नंबर जहाँ पर वो आया. अब वो ज़ीरो से आया थ्री पे, देन थ्री से आया वो सिक्स पे, दो दो नंबर बीच में छोड़ा फोर एंड फाइव. अब सिक्स से कहाँ जाएगा, पहले दो नंबर बीच में छोड़ेगा सेवन एंड एट, एंड वेयर द टी टू फ्रॉग विल कम एट नाइन, देन फ्रॉम नाइन टेन इलेवन छोड़ेगा, देन इट विल कम ऑन ट्वेल्व, ट्वेल्व के बाद थर्टीन एंड फोर्टीन ही विल लीव एंड ही विल कम ऑन फिफ्टीन, आफ्टर फिफ्टीन ही विल लीव सिक्सटीन एंड सेवेंटीन एंड विल कम ऑन एटीन, एंड आफ्टर एटीन ही विल लीव नाइनटीन एंड ट्वेंटी एंड ही विल कम ऑन ट्वेंटी वन, एंड ऑन आफ्टर ट्वेंटी वन ही विल लीव ट्वेंटी टू एंड ट्वेंटी थ्री एंड ही विल कम ऑन ट्वेंटी फोर. इन दिस वे टी टू फ्रॉग जम्प फ्रॉम ज़ीरो टू ट्वेंटी फोर. यू हैव टू मेक द रिंग. दिस यू हैव टू डू इन योर बुक इट्सेल्फ. इट इज़ ऑन पेज नंबर 36. ओपन योर बुक, यू कैन चेक एंड यू कैन डू इट. सो हियर यू कैन सी द आंसर. फ्रॉम ज़ीरो टू थ्री, देन फ्रॉम थ्री टू सिक्स, सिक्स टू नाइन, नाइन टू ट्वेल्व, ट्वेल्व टू फिफ्टीन, फिफ्टीन टू एटीन, एटीन टू ट्वेंटी वन एंड ट्वेंटी वन टू ट्वेंटी फोर. यू हैव टू मेक द रिंग एंड यू हैव टू क्रॉस टू नंबर्स एंड ऑन थर्ड नंबर यू हैव टू मेक द रिंग. दिस थिंग, दिस एक्सरसाइज, दिस क्वेश्चन यू हैव टू डू इन योर बुक. ओके स्टूडेंट्स, देन नेक्स्ट. टी टू जम्प्स एंड गेट्स ऑन एवरी टेंथ स्टोन, राइट द नंबर्स ऑन द स्टोन. हियर टी टू अगेन स्टार्टेड जम्पिंग, सो हियर ही इज जम्पिंग ऑन एवरी टेंथ स्टोन, सो ही कम्स ऑन 28. सो 28 उसने 10 स्टोन जम्प करके 28 आया, मतलब 28 माइनस 10 करेंगे तो वॉट आंसर वी विल गेट, 18. तो फर्स्ट स्टोन का नंबर क्या है, 18. देन आफ्टर 18 प्लस 10 28 के बाद फिर से प्लस 10 इट इज 38. 38 के बाद फिर से प्लस 10 देन 48. अगेन 48 के बाद प्लस 10 58. 58 प्लस 10 68 एंड 68 प्लस 10 78. सो हियर दिस T2 अ फ्रॉग, ही जम्प्स on every 10th stone. So you have to add plus 10 to each number and then you will get the next number. Try this by yourself. If there is any doubt, you can see in the module. You can see the module. The next slide you can see, you can get the answer. Again, this question is given in your book, page number 36. So you have to do this question also in your book. So you can see the answer. From 18 to 28, 28 to 38, 38 to 48, 48 it will come to 58, then from 58 it will go on 68, and from 68 it will move on to 78. In this way he will complete his jumping. So this exercise, this questions, this three or four questions you have to do in your book, and the number pattern, page number 35, this thing you have to do in your notebook. Page number 34 we have not completed, this I will tell you in the next module. So again this in the last page of this lesson, page number 38. This leafy pattern is given here. Ketu has made some patterns by collecting leaves. By collecting leaves, he has made certain pattern. You can see two types of leaves are there in the first pattern and a single type of leaves pattern is in the second pattern, you can see. So here now you also collect some leaves and arrange them in different patterns. Also draw patterns using matchsticks. So, you also collect some leaves of the same type and you arrange them in different patterns.
दिस क्वेश्चन अगेन गिवन इन योर बुक पेज नंबर 38. पेज नंबर 38 देर इज ए स्पेस ऑल्सो. यू कलेक्ट सम लीव्स एंड अरेंज दम इन डिफरेंट पैटर्न्स. दिस ऑल्सो यू कैन डू इन योर बुक. दिस इज अ एक्टिविटी यू कैन डू इन योर बुक. यू हैव टू कलेक्ट सम लीव्स एंड यू हैव टू अरेंज दम इन डिफरेंट पैटर्न्स. सो सम 4 or 5 क्वेश्चंस वी हैव डन इट इन दिस मॉड्यूल. डू इट इन योर बुक एंड द नंबर पैटर्न क्वेश्चंस यू हैव टू डू इन योर नोटबुक. आई होप यू अंडरस्टूड वॉट आई टोल्ड यू. डू इट बाय योर सेल्फ. इफ देर इज एनी डाउट देन यू कैन लुक इन द मॉड्यूल. सम क्वेश्चंस इज लेफ्ट दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट मॉड्यूल. वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन थैंक यू स्टूडेंट्स. बाय.